ज्ञानवापी मामले में पहले भी अपनी जान को खतरा बता चुके सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। उस चिट्ठी में उन्हें भूत प्रस्त काफिर बताकर धमकी दी जा रही है। चिट्ठी मिलने के बाद मुख्य सचिव गृह से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अब रवि दिवाकर को यह चिट्ठी मिलना इसलिए मायने रखता है क्योंकि वे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई कर रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे वाला फैसला भी उन्होंने ही सुनाया था, ऐसे में उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। उस समय भी सर्वे का फैसला सुनाते वक्त सिविल जज ने अपनी जान को खतरा बताया था। उस समय उन्होंने कहा था कि साधारण केस में भी डर का माहौल बनाया गया, डर इतना कि मेरे परिवार को मेरी और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। अभी के लिए इस मामले में शिवलिंग वाले एरिया को सील कर रखा गया है। कई मौकों पर हिंदू पक्ष द्वारा वहां पर पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन कोर्ट ने वो इजाजत नहीं दी है। हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी ज्ञानवापी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन्हें वहां जाने की मंजूरी नहीं दी। उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद 71 लोगों के साथ श्री विद्यामठ से निकलने की कोशिश में थे। कुछ दिन पहले ही एक बयान में उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म में तो एक ही देवता को माना गया है, वे शिव हैं। जो शिव को नहीं जानता है, उनकी महिमा को नहीं समझता है, वो मूर्ति को फवारा ही कहने वाला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ज्ञानवापी में भगवान शिव का शिवलिंग मिला है तो वहाँ पर पूजा श्रृंगार होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।